बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। तो आज हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, और इस थोड़े दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं बना रेसिपी दे रही हूँ, तो आज भी हम रेसिपी देंगे। तो चलिए देखते हैं मम्मा क्या बनाए। तो आज मम्मा बना रही हैं दाल चावल। फ्लेम हमने कर ली है ऑन, और अब इसमें हम डालेंगे घी। घी में खाना बनाएं तो ज़्यादा मज़े का बनता है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। घी हमारा हो ले गरम, फिर इसमें मैं डालूंगी प्याज। घी हमारा गरम हो गया, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को करेंगे हल्का ब्राउन। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और सब्जी मिर्च। इसमें अब नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम रेड मिर्चे, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स किया हुआ है, वो डालें, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह। अब चिकन ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भून के फिर इसमें हम दाल ऐड करेंगे। ये मैंने दाल भिगो के पहले रख दी थी। इसमें माश और मसूर की दाल मिक्स है, और चलोगे इसकी हम बनाएंगे हलवे। देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। दाल को मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो मैं बंद करने लगी हूँ, तकरीबन 20 मिनट तक इसको मैं बंद रखूँगी, उसके बाद फिर इस देखेंगे। अब खोलने लगी हूँ, देखते हैं दाल हमारी पक गई है। जी गाइस, दाल हमारी पक गई है, अब इसको करेंगे ज़रा मिक्स। ये देखें ना, दाल हमारी हो गई है अच्छी तरह मिक्स। ये देखें गाइस, दाल हमारी हो गई है मिक्स अच्छी तरह। ये देखें, अब इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। दाल हमारी हो गई है तैयार, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला।
गाइस देखे दाल हमारी हो गई है रेडी और अब हम बनाते हैं इसके साथ उबले हुए चावल। ये चावल हमारे पक गए, ये देखें। अब मैं लियान को डाल के तो आज मम्मा ने बहुत ज्यादा मजे के चावल बनाए हैं। पाकिस्तान में दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद किए रहते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।